सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द येट अनदर वीडियो। और आज कोई व्लॉग नहीं है, जस्ट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपको जो गोप्रो है वो कैसे सेटअप कर सकते हैं विद माइक के साथ, ठीक है। तो ये मैंने कल बहुत ही अपनी बहुत मेहनत की कमाई से ख़रीदा है, और ये मेरा खुद के पैसों का है, 4,500 रुपये का, 4,250 का मुझे पड़ा। आपको मैं बता दूँ, अगर आप गोप्रो ले रहे हो तो बिना इसके आप माइक, एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर सकते हो कोई भी। तो ये मेरे पास एक्सटर्नल माइक बोया का अभी पड़ा हुआ है, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसी को यूज़ करूँगा। उसके बाद दूसरा माइक जो है वो 100-200 वाला ले आऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा और फिर ये भी है इसके साथ, तो फिर बहुत हैवी हो जाएगा। और फिर गोप्रो तो है हैवी 9, हीरो 9 के साथ। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले इसका केस अभी आया नहीं है, मैंने इसका केस मंगाया अभी, यांतले का केस मंगाया हुआ है। तो अभी जुगाड़ू आदमी के लिए मैंने इधर डबल साइड टेप चिपका दिया, ताकि मेरी जो बैटरी है, बैटरी कंपार्टमेंट यहाँ पे है, तो बैटरी ना गिरे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लगा देंगे ऐसे, और उसके बाद ये जो हेलमेट है ना, मैंने यहाँ पे एक डबल साइडेड टेप लगाया। तो सिंपली सबसे पहले आप अपने हेलमेट को, हेलमेट के ऊपर ये माउंट कर लीजिएगा, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि आपको ये किस तरीके से लगाना है। देख, ये यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये देख लेना, जब आप अगर ये लगाते हो, वैसे तो मैंने इसका ब्लॉगिंग केस मंगाया, तो उसमें इसका कोई टेंशन नहीं, उसको ऐसे करके मैं ऐसे के नीचे से लगा सकता हूँ। बट अभी जुगाड़ के लिए DIY, तो ये ऐसे पीछे होगा और ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल साइडेड टेप है, तो ये लग जाएगा ऐसे, फर्स्ट क्लास। तो माइक, ये जो माइक है ना, ये लगाने के लिए ना आपको, पहले मैं बता दूँ, पूरी पैडिंग बिल्कुल ना उतारें, फालतू में दिक्कत है। तो ये इसके साथ वेलक्रो पहले से था, तो मैंने ये ऐसे ही रखा। और ये मेरा माइक है बोया का। तो सबसे पहले एक नॉट बांध लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा हमें फ्री वायर चाहिए। अगर हम टाइट रखेंगे तो हमारा जो माइक का ये है टूट जाएगा जल्दी। उसके बाद ये यहाँ से आएगा, तो इसको आप ऐसे करके इस साइड से, तो इस साइड, जिस साइड से आप लगा रहे हो ना, इस साइड को, ये देखिए, तो यहाँ से आप अंदर डाल दीजिए। और ये जो है बड़ा सा बोया, तो आप यहाँ पे रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आ जाता है। और सर पे चुभता भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पैडिंग अच्छी है मेरे हेलमेट की। बस वो पैडिंग ख़राब है कि हवा अंदर आती है। फिर इसको आप थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, कुछ गलती हो तो आई एम सॉरी, जस्ट शोइंग यू। और तो ये आप डबल साइडेड टेप पे ऐसे करके लगा दें। वेलक्रो भी आप किसी टेलर शॉप से ले सकते हो ऐसे, ठीक है। और यहाँ, जैसे यहाँ से आपका ये वायर, जो ये वाला वायर है आपका माइक का, यहाँ लगा है, तो आपको यहीं से अपना माइक ले जाना है, और आपका जो माइक होगा वो यहाँ पे लगेगा, दूसरी अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे लगाया माइक, और अभी मैं इस वायर को, ये यहाँ से घूमी हुई है पूरी, ये बहुत बड़ी वायर है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है और इश्यूज थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं लगाने में। आप छोटा वाला माइक यूज़ करिए, क्योंकि मेरे पास ये पड़ा हुआ था, तो 850 रुपये का माइक ऑफ नो यूज़, तो सोचा कि अभी यही यूज़ कर लूँ। ये जो पार्ट है सिर्फ इतना बाहर है, बाकी आप देखिए कुछ भी चीज़ बाहर नहीं है बस। और ये आपका माइक सेटअप हो चुका है। तो लेट मी टेल यू कि अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। बिफोर आपने बहुत सारी, इससे रिसेंट वाली वीडियो में आपने सुना होगा, तो बहुत ही बकवास आवाज़ आई है।
इवन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने भी कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, स्पेशली ये कमलेश है बेटा तूने कहा था इसलिए मैं ले लिया माइक भी और मुझे खुद भी लगा था ऐसा नहीं और पहन लेते हैं। इसमें अलग अलग दिक्कत यही है तो गाइस इसको मोर स्टेबल, क्योंकि डबल टेप पे आप इतना भरोसा नहीं कर सकते हो, तो फॉर दैट मेरे पास एक जुगाड़ था। अब मुझे भी नहीं पता ये नाड़ा है या शू लेज है, बस धुला हुआ है साफ है। तो इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दिया और इसको ऐसे करके अब डायरेक्ट मिलता है आपको सीधे बाइक पे। तो अभी शीशा ओपन करके स्पीड में देखते हैं कैसा आ रही है आवाज, कि जो मिरर है वो है ओपन एंड आई विल बी राइडिंग स्पीड। तो आवाज कैसे वह बताइए जरूर कि इज इट ओके और नॉट ओके। सो हे गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की आपको आवाज कैसी आ रही है हेलमेट में और स्पीड में, क्योंकि पहले तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, अभी हल्की सी आ रही है, अभी भी बहुत तरीके से हवा आ रही है और माइक बिल्कुल मेरे मुंह के सामने है, इस वजह से थोड़ा सा एयर तो आ रही होगी, मेरी सांसों की आवाज आ रही होगी आपको। तो अभी उस पर नया हेलमेट लेना पड़ेगा, वो भी लेंगे कुछ टाइम बाद। तो बताइए जरूर कि आवाज कैसी आ रही है।